अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये यहाँ पे छुहारा जो है वो ड्राई किया जा रहा है। आप लोगों ने निकाहा के छुहारे तो बड़े खाए होंगे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा छुहारा बनता कैसे है। तो ये ऐसे बनता है छुहारा, इसे बॉयल करके यहाँ पे धूप में फैलाया गया है। ये देखें, मुझे काफ़ी अरसे से फरमाइश थी कि आप अपना गाँव दिखाएँ, गाँव दिखाएँ। तो ये देखें जी, ये है मेरा विलेज, ये मेरा ननियाली विलेज है, और ये मैं आई हुई हूँ अपने नाना जी के घर। अल्लाह जन्नत नसीब करे, नाना जी की डेथ हो चुकी हुई है, लेकिन ये जो है ये मेरे नाना जी का गांव है, ये मेरे नाना जी के गांव का घर है। हर किसी के पास बचपन की यादें होती हैं, तो मैं आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ हाउस टूर। ये जी मशीन है चारा काटने वाली, जिसे टोका मशीन कहा जाता है, इलेक्ट्रिक है, और ये इसकी यहाँ पर चारा काटने के लिए जगह। ये खजूरें देख लें आप, और ये इनका देखिए आप, ये खाली हो गई फलों से, क्योंकि इनका फल का मौसम ख़त्म होता जा रहा है। और यहाँ से देखिए आप, ये हैं जी मामू जी की दो अदद माशाल्लाह से भैंसें, और ये है जी इनका पंखा। और आए एंट्री लेते हैं मेरे ननियाल, आ जाए जी। मामू कहते हैं आ जाओ। ये है जी वो गांव, वो खेत खलियान, वो घर। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर वेरी लकी कि हमने ये माहौल देखा, और साथ ही साथ हमने वो माहौल भी देखा, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने दोनों जगहों पे। अच्छा, ये एक आप यूँ समझ लें कि ये जो है ये खोट, ये देखें ये खोटी का टिपिकल स्टाइल है। ये तवा है, ये सर्दियों में यूज़ होता, तो ये यहाँ पर अब लटका हुआ है। और ये जो है, ये देखें, ये लहसुन को सेव किया गया है इस तरह से हैंग करके। यहाँ भी लहसुन को सेव किया गया है हैंग करके। यहाँ पे प्याज है घर की उगाई हुई। यहाँ पे ये खजूर की छड़ियाँ हैं, और ये वाला व्यू आप देखें, घर के साथ ही खजूरें ही खजूरें हैं। ये इनका किचन है, वो इनका ओपन स्टोर था, ये इनका किचन है। ये तंदूर है, और ये तंदूर के साथ बैठ के काम करने के लिए चटाई है। ये वाला जो है ये वॉशरूम है इस घर का, और ये यहाँ पे भी शौक की वजह से घर में, ये देखें मैं तुलसी तेरे आंगन की, तो ये तुलसी इनके आंगन की। ठीक है जी, ये टिपिकल तरीका है बर्तन रखने का, जो काम आए आए, ना आए उनको उल्टा दिया। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये भी छुहारा, छोटा छुहारा जो है बनाया जा रहा है, इसको बॉयल करके यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे बड़े बड़े परिंदे टर्कीज़ वगैरह रख रखे हैं, तो ये उनका जो है डड़वा बना हुआ है काफ़ी बड़ा सा। और यहाँ पे लड़ा के मुर्गे या फिर आम तौर पे मोरों को बंद किया जाता है। तो आए इनका पहला कमरा आपको विज़िट करा देते हैं। ये सर्दियों में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर सोने के लिए ये कमरा। तो ये है जी टिपिकल सा लाइफस्टाइल। नानी नाना तो अल्लाह को प्यारे हो चुके कब के। ये देखिए आप, अब गांव में भी कुछ चीज़ें बाकी हैं। ये खजूर खुश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये सिलेंडर है जो सर्दियों में या बारिश के दिनों में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक कच्चा चूल्हा भी मौजूद है इस कमरे में। अब आपको नेक्स्ट रूम दिखा देती हूँ। ये मेरी नानी अम्मा का कमरा हुआ करता था, ये मेरी मुमानी जान का कमरा है, मतलब मेरी मामी जान जो हैं उनका यही कमरा है शुरू से। और आप लोगों को दिखाऊं ऑर्गेनिक तरीका मुर्गी के बच्चे निकालने का, चूजे निकालने का। ये है, इस वक्त मुर्गी जो है दाना दूंगा चुगने गई हुई है, लेकिन ये उसके चूज़े हैं। ये देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं चूज़े जो है ना, उनकी हिचिंग का अमल जो है वो जारी है। ये अंडे जो हैं ये चूज़ों के लिए रखे हुए हैं, इन पे मुर्गी जो है इस वक्त अपने इनक्यूबेशन के लिए बैठती है। अभी इन पे अंडों पे मुर्गी बिठाई हुई है। ये दाने रखे हैं मुर्गी के खाने के लिए, लेकिन मुर्गी इस वक्त बाहर का टूर लगाने गई है। ये देखें, ये देखें, ये लस्सी बनाने के काम आती है। और अब मामी जान ने जो है धो कर इसे वॉश करके जो है यहाँ पे रखा हुआ है,
लेकिन मैं इसको यहाँ पे ऊपर रख देती हूँ। ये जी लड़कियों के जहेज का सामान लेके रखा हुआ है मामी जान ने। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनका नसीब अच्छा करे। दो बेटियाँ माशाल्लाह बाकी हैं मामू की, एक की शादी हो गई है। और ये लास्ट वाला रूम देखें मामू जान लोगों का, ये देखिए ये लास्ट वाला रूम है जहाँ पे गंदम वगैरह उन्होंने सेव कर रखी है। पंखा चल रहा है, बच्चों के साथ अभी हम गए हैं बाहर। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरे मामू जान के घर का जो ये टूर है कैसा लगा। अच्छा मामू जी अब मैं बाहर जा रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मामू जान की ये भैंसें कैसी लगी। एक लाइक कर दीजिएगा इसके लिए और एक लाइक कर दीजिएगा उसके लिए। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।